माँ भगवती सेवा संघ की तरफ से 30 सितंबर को माता की चौकी का आयोजन न्यू जवाहर नगर पार्क में किया जा रहा है। इसी के तहत विधिवत पूजा अर्चना कर झंडे की रस्म अदा की गई, जिसमें सुबह 6 बजे न्यू जवाहर नगर पार्क से झंडे की फेरी को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि न्यू जवाहर नगर पार्क से आरंभ होकर विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए वापस न्यू जवाहर नगर पार्क में आकर संपन्न हुई, जिसके बाद झंडे की रस्म अदा की गई। तो वही झंडे की फेरी के स्वागत को लेकर जगह जगह मां भक्तों ने अनेक प्रकार के लंगर लगाकर तथा पुष्प वर्षा कर सभी भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान सारे मार्ग में रसिक मुकुल घई संकीर्तन मंडली और रसिक जनों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, लवली ग्रुप से रमेश मित्तल, नरेश मित्तल, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार, श्रीमन अस्पताल के डॉक्टर वीपी शर्मा, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल ने विशेष रूप से शामिल होकर अपने कर कमलों से झंडे की रस्म अदा की। इस मौके पर आशु कोमर, अश्विनी भंडारी, पूर्व पार्षद जसलीन सेठी, कुंदन लाल अग्रवाल, सुषमा गौतम, गुरबचन सिंह कथूरिया, एडवोकेट उमेश ओहरी, सुरेंद्र सहगल, राजेंद्र सहगल, संजीव बांसल, राजीव अग्रवाल, पुनीत पुरी, मुनीश पुरी, राजेश नैयर, महेश लूथर, अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, सुनीता सहगल, वंदना सहगल, सोनाक्षी नैयर, सीमा अग्रवाल, तानिया अग्रवाल, शीनू अग्रवाल, पावनी पुरी सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो महारानी के पावन विशाल भव्य चौकी जो 30 तारीख को कराई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज विशाल भव्य प्रभात फेरी नाके की परिक्रमा करते हुए झंडे की रस्म भी की जाएगी, जिसमें आज सभी महारानी की पावन ज्योत का भव्य स्वागत करते हुए उनके नाम का गुणगान करते हुए Thank you.
भाजपा के वरिष्ठ नेता रॉबिन सांपला के निवास स्थान पर गणपति महाराज जी का आगमन होने पर सभी शहर के गणमान्य लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे और रॉबिन सांपला के परिवार को गणपति महाराज जी के आगमन की बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन एससी कमीशन विजय सांपला भी गणपति महाराज जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व चेयरमैन एससी कमीशन विजय सांपला को गणपति महाराज जी का आशीर्वाद रूपी चुनरी देकर सम्मानित किया गया और प्रसाद वितरित किया गया। गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष आकर्षण का केंद्र थे और अखंड भजन संकीर्तन चल रहा था। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा, भाजपा नेता सुभाष भगत, पंकज कुमार, गीतक नवी, अविश गाबा, अक्षय जम्मू, नवीन रिक्की, सागर सहोता, राजेश भट्टी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गणपति महाराज जी का जो उत्सव चल रहा गणेश चतुर्थी तो लैके हम लगातार उन्होंने ही उत्सव का त्यौहार चल रहा पूरे देश चल रहा और उपलक्ष्य के ही रॉबिन सांपला जी के घर में भी गणपति महाराज का अब प्रवेश होया है कल का और उन्होंने परमात्मा जोड़ा वाहगुरु उन्होंने कृपा रखे हमेशा बनाई रखे और जिस मनोकामना उन्होंने इस जिस भावना के नाल उन्होंने गणपति जी का महाराज का प्रवेश अपने घर करवाया प्रभु उन्होंने हरियां आसा मुरादा पूरी भी करे और असी नाले भी कहेंगे कि भी सारिया के उत्ते मेहर भरिया हाथ रखे सरबत के भले की भी गल करते अरदास करते हैं और सारे परमात्मा तरीके गणपति बप्पा मोरिया जय गणपति जय गणेश देवा जय गजराज महाराज जेडे हर साल की तरह पूरे विश्व जो गणपति जी का उत्सव मनाया जाता और लोग इन्होंने अपने घर च बुला के अपने घर पवित्र बनाते हैं उस दिन के असी अज अपने निवास स्थान जो गणपति जी को विराजमान किया और असी कल इन्हों का विसर्जन भी कर जावे उस उपलक्ष्य के उस उत्सव के अज मेरे राजनीतिक गुरु मेरे पिता समान श्री विजय सांपला जी जो कि पूरे मंत्री और पूर्व चेयरमैन भारत सरकार उन्होंने अच्छ शिरकत की और गणपति का आशीर्वाद लिया और मैनू भी आशीर्वाद दे गए और मैं थोड़े चैनल तो दैनिक सेवा के माध्यम तो सारे विश्व वसते हुए सारे ही गणपति जी दुजाइया उन्होंने पैरोकार उन्होंने मन वाले गणपति जी दत्सव दहान उत्सव दबू लख लख बधाई बहुत बहुत मुबारक जय गणपति गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में स्थित माँ पीताम्बरा के प्रसिद्ध सिद्ध स्थान में रविवार को मासिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से गौरी गणेश पंचोपचार षोडशोपचार नवग्रह पूजन कलश पूजन उपरांत माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप किया। माँ मंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत हवन यज्ञ में आए हुए सभी भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने कहा कि माँ बंगलामुखी के हवन यज्ञ में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि भगवान के नाम जाप मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है तो वहीं माँ बंगलामुखी धाम में श्री गणेश उत्सव की शुरुआत भी धूमधाम से हुई। गुलमोहर सिटी के सभी भक्तजनों ने गणेश उत्सव पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। नाचते गाते ढोल ताशे के साथ गणपति बप्पा मोरिया और अन्य धार्मिक भजन कीर्तन कर विधिवत पूजा अर्चना कर गणेश जी महाराज को स्थापित किया गया। माँ बंगलामुखी धाम के परम सेवक संजीव सावरिया ने भजन कीर्तन कर संगत को झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार श्रीकंठ जज ने बताया कि मंदिर परिसर में श्री गणेश उत्सव पर सोमवार से बुधवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक रोजाना कई धार्मिक भजन गायक अपनी हाजिरी लगवाएंगे। इस दौरान राकेश प्रभाकर, मुनीश शर्मा, मनमोहन भट्टी, नवीन जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर हर्ष, दीपक कुमार, उदय, अजीत कुमार, अमरजीत सिंह, बाबा खन्ना, केहर सिंह, आशु सिंह, अभिलक्ष्य चुग, दिशांत शर्मा, प्रोफेसर सुमित सहगल, सुनील हांडा शर्मा जी आंध्र बैंक, दीपक ढल, सरबजीत शर्मा, संजीव कुमार, प्रदीप शर्मा, अरुण कुमार, केविन शर्मा, राजेश जैन, चेतन शर्मा, मनोज चड्डा, किशोर शर्मा, सौरभ मल्होत्रा, गौरी शर्मा, दिनेश शर्मा, मनदीप, भारत भूषण, रमन कुमार, चेतन अरोड़ा, भानु मल्होत्रा, मनीष कुमार,
साहिल, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, प्रिंस सरोज पटेल, राकेश सरदाना, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, पंकज इकबाल, प्रवीण दीपक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगला मुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के अज संपूर्ण फलदाई मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिदे दूर दूर तो आई संगतां ने महामाई के दरबार से नतमस्तक होए और बहुत दूरों दूरों संगतां ने आई महामाई के चरणों से ही साड़ी अरदास बेनती है कि हे जगदंबा अपने भगतों के उत्ते अपना ऐदा ही असीम प्यार और कृपा बरसा के रखो। जिहड़े जिहड़े कारज तुहाडे भगतां दे रुके है वह संपूर्ण करो, शरीरिक निरोगता दिओ, घर परिवार सुख शांति दिओ। इहदे नाल मैं दसना चाहना कि लगातार जिहड़ा अज तो गणेश उत्सव शुरू होया और वह चलेगा वीरवार सवेर तक, उहदे विच अलग अलग तरह दीआं पार्टियां आ के गणेश जी का गुणगान करनगियां। रोज़ शाम नूं 8 तो 10 माँ बगला मुखी धाम च पहला अरदास बेनती होएगी, गणेश वंदना होएगी और जिहड़े कलाकार है धार्मिक वह आ के अपनी हाजिरी लगवाएंगे। उस तो उपरांत लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा, वीरवार सवेरे विसर्जन होएगा। सारे करवत प्रार्थना है कि वह मंदिर पहुँच के इस जिहड़ा कारज है उसका लाभ उठाओ। जय मां बगला मुखी जी। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें माँ महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर माँ का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहां आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, सूरज लाहौरिया, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता प्रीति, कोमल, सोनिया, रचना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, संजय शर्मा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। महारानी का आशीर्वाद से भक्तों का कल्याण होता है। आज
उसी पवित्र दिन पर एक और बहुत विशेष अवसर है, आज राधाष्टमी है। इसी उपलक्ष्य पर राधा रानी जी के लिए एक केक काटा गया है। भगवान जी का आशीर्वाद, भगवान ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी का आशीर्वाद आप सब पर, सभी पर निरंतर बना रहे, असीम बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। माता दी अज कालिका धाम च साढ़े कुलंत तो नजर आए हैं। ये अज कालिका धाम च लगातार शनिवार जा रहे हैं। अज माता रानी ने बहुत आशीर्वाद बख्शिया और अज असी किशनपुरा कालिका धाम पहुँचे हुए हैं जी। पिछले 3 साल तो इतना हवन चलता आ रहा है। अगर किसी भी दोस्त को किसी तरीके की दुख परेशानी, काम कार लैके कोई दुख परेशानी, इतने पहुँचो, अपने दुखों का निवारण करो। मैं सबनों यही कहूँगा इतने महामई का गुणगान करिए, किशनपुरा कालिका धाम से पहुँच के महामई का गुणगान करिए। जय माता। जालंधर हाइट्स 2 में के ब्लॉक के बाहर फ्रेंड्स फॉर्म द्वारा श्री राधा अष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन अमित तनेजा परिवार की ओर से किया गया, जिसमें दीपक सरगम एंड पार्टी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर श्री कृष्ण महिमा का गुणगान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अमित तनेजा परिवार की ओर से विधायक रमन अरोड़ा को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। Oh,
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के तेज नगर इलाके में समधी ने अपने ही समधी और उसके बेटे को मारी गोलियां, दोनों गंभीर घायल। तरन तारण के अधीन आते गांव कलसिया कला में लुटेरों ने 100 वर्षीय बुजुर्ग माता को बंदी बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। जालंधर थाना 8 की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को किया काबू, एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक दातर की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।